डिजाइन कॉलेज के लिए पोर्टफोलियो चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स भी रेडी हैं आपके पास, बट वेयर डू आई स्टार्ट? आई मीन हाउ डू आई कंपाइल माय प्रोजेक्ट्स? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर? आई मीन आई डोंट नो यार, क्या करना होता है ये डिजाइन कॉलेज के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए? ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, है ना? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि रुक जाओ, आराम से शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले समझते हैं माइंडसेट रिक्वायर्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो फॉर डिजाइन एग्जाम्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। फर्स्ट, हाउ कॉलेज एडमिशन पोर्टफोलियो इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब पोर्टफोलियो। सेकंड, व्हाट कॉलेजेस आर लुकिंग फॉर इन अ पोर्टफोलियो। एंड थर्ड, व्हाट योर पोर्टफोलियो फॉर एनआईडी और आईआईटी लेट्स से शुड रिफ्लेक्ट। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन पोर्टफोलियो फॉर जॉब एंड कॉलेज। कॉलेज में हम जा रहे हैं सीखने के लिए। इसका मतलब ए, कॉलेज वालों को पता है कि यू आर नॉट प्रो एंड यू स्टिल नीड लॉट टू कवर बिफोर यू कैन क्रिएट योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। और बी, अगर अभी मुझे सीखना ही है, इसका मतलब मेरे पोर्टफोलियो में मिस्टेक्स हो सकते हैं इन माय प्रोसेस और इन माय प्रोजेक्ट्स। मिस्टेक से मेरा मतलब है इवन इफ योर प्रोजेक्ट्स आर इनकम्प्लीट, मतलब उसका कोई क्लियर आउटपुट नहीं है उसके बावजूद, इवन देन इट कैन फेच यू गुड मार्क्स। इवन इफ योर प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, इट कैन फेच यू गुड मार्क्स। बट हाउ, इसके बारे में मैं एक मिनट में बात करता हूँ। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, थिंग्स आर एट स्टेक। एज इन अ कंपनी हायरिंग यू has put faith on you and their business is on stake, so they are looking for a portfolio which is professional without any mistakes, a portfolio which clearly talks about topic, process and outcome. Lekin college ke portfolio mein, like I said, itni tension lene ki zarurat nahi hai. To jaisa maine bola, your portfolio can have mistakes and everything else can be compromised if they can see your process. Process ki why you chose a topic, process in terms of how you are solving a problem. It doesn't matter ki if you don't know the design process, but aapne khud se us topic ke andar kitna ghusne ki koshish kari hai. Bas yahi ek baat hai. Agar aap is baat ko samajh gaye, to mera yakeen mano, kabhi bhi koi bhi college aapke portfolio ko reject kar hi nahi sakta. This is the crux of whole portfolio thing. Lekin ye sunne mein jitna aasan lag raha hai, उतना आसान है नहीं। और आप किसी भी रैंडम एस्पिरेंट का पोर्टफोलियो उठा के देख लो, यू विल फाइंड वेल डेकोरेटेड एंड फैंसी प्रोजेक्ट्स, बट यू वोंट फाइंड द प्रोसेस, हाउ डिड दे डू इट। जितना साफ और क्लीन प्रोजेक्ट देखने में लगता है, उसके पीछे उतना ही मेसी और स्ट्रगल होता है। दैट्स वॉट कॉलेज आर लुकिंग फॉर। यस, इस बात को आप कहीं लिख लो तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप ये बात बाद में भूल जाओगे। दे डोंट वॉन्ट प्रेटी स्लाइड्स, दे वॉन्ट टू सी योर मेस एंड योर स्ट्रगल। वाई? That brings me to the next topic in this lesson, what colleges are looking for in a portfolio. See, the test of your intelligence, drawing ability or studio test will be done by the time you will get opportunity to show your portfolio to the examiners, right? So, ek baat to clear hai ki portfolio is not testing your skills. It is just to make sure that the students getting admission, one, wants to learn and second, students whom they can teach. Yes, these two are different things. First, students who want to learn will never show off. Will have some problems in the portfolio. ये भी बिल्कुल सही बात है। कमी होगी तभी तो आप कॉलेज जा रहे हो ना सीखने के लिए। और अगर सब कुछ आता ही होगा तो कॉलेज में आके आप करोगे ही क्या? And that's why second thing that I have written, student whom they can teach. और हर साल ऐसा होता भी है। People with lot of experience apply in IITs. And if they are from let's say design background, sometimes they are not accepted. In some cases of freshers as well, I have seen this that examiners in the interview hall directly said that why are you going for masters? You already have an industry ready work. और ये कोई out of frustration उन्होंने नहीं बोला, बल्कि genuine तारीफ करते हुए बोला। इसीलिए ज्यादा परफेक्ट पोर्टफोलियो के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। और इसी में एक और थर्ड पॉइंट ये भी है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स हुआ जॉइनिंग डिजाइन कॉलेज आर थिंकिंग कि ये तो बहुत ही कूल प्रोफेशन है। बट सच ये है कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आउटपुट जितना कूल लगता है, इनपुट में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है। मेहनत जिसमें रात रात भर जगना भी पड़ता है। ऐसे केस में एग्जामिनर्स वांट टू मेक श्योर इन द पोर्टफोलियो इंटरव्यू कि कहीं आप भी कूल प्रोफेशन समझ के तो नहीं आ गए हो। और इसको चेक करने का सिंपल तरीका है लुक फॉर प्रोसेस इन द पोर्टफोलियो। और प्रोसेस देखने का सिंपल तरीका है लुक फॉर मेसी वर्क। दिखाओ आपने जो सारा काम किया कैसे किया। सो टू रैप अप दिस लेसन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट योर पोर्टफोलियो शुड रिफ्लेक्ट। वन, दैट यू आर रेडी टू लर्न। हाउ विल यू शो दिस? दिस विल डिपेंड ऑन हाउ यू टॉक एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे इन्हीं एपिसोड्स में। सेकंड, शो योर प्रोसेस एंड रिसर्च एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन एस्थेटिक्स। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? शो बिहाइंड द सीन्स एंड अदर प्रूफ्स एज मच एज पॉसिबल। थर्ड, show that you are ready to experiment. How? By choosing the topic of your project. We will talk about this in the next lesson.